My name is Ubaid Memon. I am basically the founder of Food Savers. Food Savers एक organization है जो कि surplus food पे काम कर रही है, food wastage पे. पाकिस्तान में United Nations की report है कि 40% से ज़्यादा खाना waste हो जाता है. और वो खाना हम चाह रहे हैं waste होने के बजाय किसी के पेट में चला जाए. और हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भूखा सोते हैं और वो किसी से मांगते नहीं हैं. तो हमने कोशिश की है कि हम white collar families को find out करें. और हम slums में areas में भी हम काम करते हैं. जो भी खाना हमें मिलता है रेस्टोरेंट से मिलता है, घरों से भी मिलता है. अगर किसी के पास एक रोटी भी और थोड़ा सा सालन होता है हम वो भी पिक करने जाते हैं. और शादियों में जो खाना ज़्यादातर बल्क क्वांटिटी में बच जाते हैं वो हम पिक करके उसको प्रॉपरली पैक करके उसके हाइजीन मेंटेन करते हुए हम उन लोगों तक पहुँचाते हैं जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. और हेल्दी खाना होता है हम उनके इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए किसी को पता ना चले ताकि उनके घर पर पहुँचा के आते हैं. भी रखा हुआ है जो कि डेली रेस्टोरेंट से खाना उठाता है. अल्हम्दुलिल्लाह हमें डेली रेस्टोरेंट से सिर्फ 50 से 60 बंदों का खाना मिलता है जो कि हम जो फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं और वाइट कॉलर फैमिलीज हैं उनको हम डेली बेसिस पे वो खाना पहुँचाते हैं टाइम का. और उसके अलावा अगर बच भी जाता है बल्क क्वान्टिटी में मिल जाता है तो वो स्लम एरियाज में जाके हम डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं. Danish-Food Aarbi, co-founder of Food Savers. Food Savers, हम अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीनों से 20,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिला चुके हैं और डेली बेस पे हमें 200 प्लस लोगों का खाना मिल रहा है जो हम डेली मील प्रोवाइड कर रहे हैं द वाइट कॉलर फैमिलीज़. अभी हमारा मोटिव यही है कि इंशाल्लाह इस काम को जितना ज़्यादा हो स्प्रेड करें और पाकिस्तान में एक भी रोटी ज़ाया ना हो, डस्टबिन में ना जाए, इससे अच्छा है किसी के पेट में जाए. फ्यूचर प्लान ये है कि जो भी एक प्लाजा है उसमें 50 घर हैं. अगर हर घर में एक रोटी तो बच जाती है लेकिन उसको वो कोई वैल्यू नहीं रखती. लेकिन अगर हमारा नीचे फ्रिज रखा होगा तो वो 50 घरों में अगर एक एक रोटी भी मिल गई तो 50 रोटियां बड़ी वैल्यू रखती हैं. तो इंशाल्लाह वो भी स्टार्टअप करेंगे, रेस्टोरेंट्स में हम अपने फ्रिज रखेंगे. बहुत सी कोशिश है कि जो भी खाना जो डस्टबिन में जा रहा है वो हम उसको रिकवर करके किसी के पेट में चला जाए.